हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। जैसे कि आपको पता है, हम डेली आपके लिए करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आते हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी को भी इस वीडियो की या इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होगा, अब वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में फैसला सुनाते हुए केंद्र और किस राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाए। तो दोस्तों, यह फैसला भी हाल ही में हुआ है और काफ़ी चर्चा में था। आपका पता होगा कि कई सालों से जो राम मंदिर पर अयोध्या में केस चल रहा था, वह उसका फैसला सुना दिया गया है। और इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर के ऊपर जो विवाद चल रहा था, उसका फैसला हिंदुओं के हक में दिया है, यानी कि वहां मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिले हैं, तो इसलिए वहां पर अब मंदिर निर्माण ही होगा। और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने को भी कहा है और मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन भी देने को कहा है। तो बात अब उत्तर प्रदेश की आई है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बहुमत की पार्टी की आने के बाद ही नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाएंगे, परंतु जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तब तक देवेंद्र फडणवीस को ही कार्यभार संभालने के लिए पूछा गया है। अब बात महाराष्ट्र की आई है, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और यदि महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में पूछा जाए, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। और मुख्यमंत्री तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने तो देवेंद्र फडणवीस ने तो अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया है। कार्यभार जब तक नए मुख्यमंत्री नहीं बनते, यही संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इंटरनेट स्वतंत्रता के सबसे अधिक दुरुपयोग में शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है चीन। हाल ही में इंटरनेट में सबसे अधिक दुरुपयोग करने वाले देशों की सूची जारी की गई और उन देशों में सबसे टॉप पर चीन का नाम आया है। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। बात चीन की है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी यानी कि मुद्रा रेनमिनबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2019 को संस्कृत भारतीय विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में भारतीय विश्व सम्मेलन का पहला आयोजन यानी कि यह संस्करण, पहला संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में 9 नवंबर को संस्कृत भारतीय विश्व सम्मेलन शुरू हुआ है। यह 9 से 11 नवंबर तक यानी कि 3 दिन तक यह चलेगा और यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है, यानी कि इसका यह पहला संस्करण है। बात नई दिल्ली की है, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और कई बार पेपर में नई दिल्ली के शिक्षा मंत्री पूछ लिए जाते हैं, तो नई दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, इमरान खान, शेख हसीना या ए और बी, दोनों। तो इसका आंसर है ए और बी, दोनों। हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने साथ में किया है। गुरु नानक देव की जयंती पर ₹1,550 का सिक्का भी जारी किया गया। इस कॉरिडोर से पहले जत्थे में 575 श्रद्धालु यात्रा करेंगे, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 जारी की गई और उसमें महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट हमें यह बताती है कि कौन से राज्य में न्याय दिलाने की क्षमता सर्वाधिक है। तो इसमें सबसे पहला स्थान तो महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ और दूसरा स्थान केरल को प्राप्त हुआ है। और जिन राज्यों में 1 करोड़ से कम जनसंख्या है, उन राज्यों की लिस्ट अलग से जारी हुई है, तो उन राज्यों में पहला स्थान गोवा को प्राप्त हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल हाल ही में सत्यपाल मलिक नियुक्त हुए हैं। और दूसरे नंबर पर सिक्किम है, जिसमें 1 करोड़ से कम जनसंख्या, उसमें
दूसरे नंबर पर सिक्किम है, और सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर कई संस्थाओं ने जारी की है। तो टॉप पर महाराष्ट्र है, और 1 करोड़ जनसंख्या से कम वाले राज्यों में टॉप पर गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारत। 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा, यह जनवरी में आयोजित किया जाएगा। महिला विश्व कप का आयोजन स्पेन और नीदरलैंड साथ मिलकर करेंगे। तो बात अब स्पेन और नीदरलैंड की आई है, तो दोनों की राजधानी और करेंसी देखते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और स्पेन की करेंसी यानी कि मुद्रा यूरो है, और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और यदि नीदरलैंड की करेंसी पूछी जाए यानी कि मुद्रा, तो यूरो ही है, यानी कि स्पेन और नीदरलैंड दोनों की ही मुद्रा यानी कि करेंसी यूरो है। और यदि आपसे महिला विश्व कप का आयोजन पूछा जाए तो स्पेन और नीदरलैंड, और पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन पूछा जाए तो भारत। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप, पुरुष और महिला विश्व कप अलग अलग देशों में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम द्वारा ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह अवार्ड बिजनेस लीडरशिप में दिया जाता है, तो यह अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को। ये देखिए, कुमार मंगलम बिड़ला की इमेज भी हमने आपको दिखा रखी है। कुमार मंगलम बिड़ला को हाल ही में एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम द्वारा एशियन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिड़ला आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय गुप्ता, राजानंदन, ज्ञानेंद्र सिंह, या देखिए इसका आंसर है संजय गुप्ता। हाल ही में संजय गुप्ता को गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। इससे पहले राजन आनंदन कंट्री मैनेजर थे, अभी संजय गुप्ता ने हाल ही में राजन आनंदन को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने किस देश के आर्थिक दृष्टिकोण को स्थिर से नकारात्मक में बदलने की रिपोर्ट पेश की है? दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। स्थिर मतलब फिक्स ही है, रिपोर्ट अब इसको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव में बदल दिया है, तो इसका आंसर है भारत। हाल ही में मूडीज ने भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को फिर से नकारात्मक में बदल दिया है। इसका कारण यह है कि भारत की जीडीपी लगातार गिर रही है, और भारत में आर्थिक मंदी बढ़ती जा रही है, इसलिए भारत का आर्थिक दृष्टिकोण नकारात्मक यानी कि नेगेटिव में बदल दिया है। नेगेटिव मतलब घटता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नर्चर द फ्यूचर मेंटरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी स्मृति ईरानी, सी अमित शाह, डी केजरीवाल। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्चर द फ्यूचर नामक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें हर एक अधिकारी को एक 10वीं क्लास के ऐसे बच्चे को गोद लेना होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और उसके भविष्य से संबंधित सभी जिम्मेदारियां उठानी होंगी जब तक वह आर्थिक रूप से सक्षम न हो जाए, यानी कि जब तक वह बच्चा अपने कैरियर को नहीं बना लेता या उसमें सेटल नहीं हो जाता या फिर उसे कोई जॉब नहीं मिल जाती, तो उससे रिलेटेड हर गाइडेंस वो गोद लेने वाला अधिकारी उसको देगा, यानी कि उसका मेंटर जो बनेगा वही उसको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में श्री बुद्ध नीलकंठ नारायण मंदिर की मठादी इमारत का निर्माण कराया है, वह कहाँ स्थित है? तो वियतनाम, कंबोडिया, नेपाल या मॉरिशस। तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल में भारत के राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने श्री बुद्ध नीलकंठ मंदिर की इमारत का उद्घाटन किया है। यह काठमांडू घाटी में शिवपुरी की पहाड़ियों में निर्मित होगा। तो दोस्तों यह मंदिर शिवपुरी की पहाड़ियों में है और काठमांडू वैली में है। बात अब नेपाल की आई है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली हैं, और नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। दोस्तों हाल ही में नेपाल काफी चर्चा में था, क्योंकि इन्होंने अपने देश के जितने भी राज्यपाल थे सभी को एक साथ हटा दिया, और सारे के सारे राज्यपाल हटाकर इन्होंने नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, क्योंकि पिछली सरकार में पुराने राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी, तो उन्हें हटाकर इन्होंने अभी सभी नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पॉइंट को भी आप याद रखिएगा।
दोस्तों आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको और कोई एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो या किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और यदि आप ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हम मिक्स जीएस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ भी डालते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट में कराए जाते हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। और नोबल पुरस्कार 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हमने आपको उनको इमेजेस की फॉर्म से याद कराने की कोशिश की है, तो उस नोबल पुरस्कार की वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नोबल प्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ में इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स 2019 की एक वीडियो है, आपको पता है हर पेपर में बुक्स और उसके ऑथर्स ज़रूर पूछे जाते हैं, तो हमने 2019 के जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उन पर एक वीडियो डाली है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। यदि आपको वो वीडियो ना मिले तो हमसे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मांग लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके, और अगर आपको कोई सुझाव देना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी इंक्लूडेड है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।